अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एक नए कोर्स के वाले से, और इस नए कोर्स में हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ़ साइंस के वाले से इन कंप्यूटर साइंस को। MS कहते हैं हम, मास्टर ऑफ़ साइंस शॉर्ट फॉर्म इन कंप्यूटर साइंस। इसके बारे में मुकम्मल हम आज बात करेंगे कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए, या फिर आप कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो आपको इसकी डिग्री मिलेगी, या उसका क्या स्टडी का प्रोग्रेस है, प्रोसीजर है, सारा इस वीडियो में डिटेल से बात कर रहे होंगे। अगर आप न्यू हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ एजुकेशन के हवाले से। तो चलते हैं, सबसे पहले आप जो इंट्रोडक्शन की का जो स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लूं। आप इसको जो आराम से बाद में जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम मिशन के हवाले से पढ़ लें, और प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास लास्ट आता है उसके हवाले से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं प्रोग्राम एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे मेन चीज़ है इसका क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया भाई इसका यह है कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और वो BS इन कंप्यूटर साइंस हो, BA इन IT हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हाउएवर कैंडिडेट्स हैविंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, BSc कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, 16 ईयर एजुकेशन फ्राम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर आल्सो एलिजिबल बट हैव टू क्वालिफाई डेफिशिएंसी कोर्सेज। मतलब कि उनको जिन्होंने पहले ये कोर्सेज किए होते हैं उनको डेफिशिएंसी, मतलब उनको उस कोर्सेज की कमी करवाई जाती है ताकि उनका टाइम जो है वो बचाया जा सकता है, ठीक है। जो मेन चीज़ आती है हमारे पास वो आती है कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट CGPA 2.00 आउट ऑफ 4। आपका CGPA अगर आपने एडमिशन लेना है तो आउट ऑफ 4 जो है उनमें से 2 होना जो लाजमी है, 2 होना लाजमी है आउट ऑफ 4 में से, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन वेयर इन GPA सिस्टम इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन अगर आपका CGPA नहीं है तो आपका मतलब GPA नहीं है तो आपका जो हमारे पास है फर्स्ट डिवीजन होनी जो है लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ईच कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पास द यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स। हर बच्चा जो कि सेमेस्टर में या फिर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेगा उसको लाजमी है कि 50% के साथ इस यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को पास करें। और भाई इसकी मेन चीज़ है कि लिमिटेड सीट्स ऑन मेरिट बेसिस, मेरिट बेसिस के ऊपर आपके पास बहुत लिमिटेड जो है वो हमारे पास हैं सीट्स, ठीक है। अच्छा जी, इफ द शेड्यूल ऑफ कोर्सेज परस्यूड बाय अ कैंडिडेट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्योर बैकग्राउंड फॉर द डिग्री कोर्सेज विच ही शी इंटेंड्स टू टेक अप, ही मे बी रिक्वायर्ड टू मेक अप द डेफिशिएंसी बाय टेकिंग वन और मोर एडिशनल कोर्सेज और डेफिशिएंसी लेवल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग कोर कोर्सेज आर रिकमेंडेड टू बी कम्प्लीटेड बिफोर एंटरिंग द, अच्छा MScS में आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो CS है कंप्यूटर साइंस उसमें आपको जो है वो एंटर होने से पहले ये कोर्स हैं जो रिकमेंडेड किए जाते हैं, इसमें से आपको लाजमी करने पड़ेंगे, कोई भी फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी। एल्गोरिथम्स के हवाले से असेंबली लैंग्वेज है, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, आप कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन ओनली इफ शी हैज अ डेफिनेशन ऑफ वन और मोर देन 4 कोर्सेज फ्रॉम द अबव लिस्ट। डेफिनेशन कोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड बाय द ग्रेजुएट स्टडीज कमिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। स्टूडेंट हैज़ टू पास द डेफिनेशन कोर्सेज इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, पहले 2 सेमेस्टर में इनमें से कोई भी कोर्सेज हैं जिनको आपको पास करना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला फॉर एडमिशन टू MScS प्रोग्राम, ठीक है। एनुअल सिस्टम के लिए ये आपको दिया गया कुछ जी, इसको आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला है एक। मैट्रिक के मार्क्स पहले काउंट होंगे आपके ऑब्टेन, फिर टोटल, फिर मल्टीप्लाई 0.10%, ठीक है। और उसके बाद BS की डिग्री अगर आप होल्ड करते हैं तो उसमें नेक्स्ट यही फार्मूला सेम जो अप्लाई होगा जैसे मास्टर का, और अगर आपने मास्टर किया हुआ, ठीक है। ये हो गया एनुअल के लिए। अब नीचे आ गया जी सेमेस्टर के लिए। सेमेस्टर जिनका सिस्टम होता है इनके सबसे GPA आपका हो तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
बैचलर में थोड़ा सा है इसका। और उसके बाद एंट्री टेस्ट की भी है और मेरिट स्कोर भी है, ठीक है, इसमें सारा है। अच्छा, इन केस ऑफ CGPA आउट ऑफ 5, CGPA जिनका 5 होता है उसके लिए भी फार्मूला है भाई, ये आप देख सकते हैं मुकम्मल, ये आप पूरा कर लें। इनका जो आता है सम, वो अगर होता है इनके इक्वल तो फिर आप इसके जो अहल होंगे। नोट, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन मेरिट बेसिस, द MSCS प्रोग्राम इज़ अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग विद इन पाकिस्तान ओनली एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। अच्छा, जो विजुअल यूनिवर्सिटी आपको पहले भी पता होगा, मैंने पिछली वीडियोज़ में डिटेल से काफ़ी प्रोग्राम डिस्कस किए हैं, जो विजुअल यूनिवर्सिटी है वो आपको ओवरसीज़ के लिए भी अवेलेबल होती है, पाकिस्तान के बाहर भी आप इसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये MSCS का प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। अच्छा, इफ़ एनी स्टूडेंट विशेज टू मूव ओवरसीज आफ्टर गेनिंग एडमिशन, यू शिल बी रिक्वायर्ड टू विदड्रॉ फ्राम द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम का मतलब कि बाहर होना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको ये पढ़ाने लगे हम, ठीक है। अच्छा जी, जो एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका एंट्री टेस्ट, अगर आप इसका मैं आपको बाद में बता दूंगा इसके इंशाल्लाह, इसका एंट्री टेस्ट देख लें जी भाई, ये एंट्री टेस्ट होता है MSCS का, इसका जो हमारे पास है ये मैं मोबाइल व्यू में आ गया, चले ये आप देख सकते हैं जी, एंट्री टेस्ट सैंपल फॉर MSCS प्रोग्राम, वेटेज इंग्लिश के 25% मार्क्स और मैथ में 25% आपकी कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, ठीक है, उसमें से आपको लेना भी लाजमी है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इंग्लिश का आपके पास आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ठीक है, ये सैम्पल टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से आपको कोई भी प्रोग्राम चूज़ करना है, सॉरी कोई भी आंसर है इसमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है। सेक्शन 2 मैथ का आ जाता है जी, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद आपके इसको सॉल्व करना होगा, इसके आंसर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सेक्शन आपका कंप्यूटर साइंस का है, जो कि 50% मार्क्स के ऊपर आपका जो ऑब्टेन करते हैं, सारे टॉपिक्स जो आपको पहले बताए गए थे एंट्री टेस्ट में वो आ गए हुए हैं, और 5% तक इनका जो है वो आपके पास है वेटेज अपर क्वेश्चन की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी ड्यूरेशन के हवाले से, तो इट इज़ अ 2-ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम्स स्प्रेड ओवर 4 semesters, ठीक है, 4 semester का, 2 साल का, ईच semester हैज़ एटलीस्ट 18 weeks ड्यूरेशन, ठीक है। कोर्सेज ऑफ स्टडी MSCS स्टडी स्कीम जो कि फॉल 2019 के लिए है वो आप देख सकते हैं, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आप ये देख सकते हैं इसमें। अच्छा, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी स्कीम आप देख सकते हैं जी, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जी, MSCS का मुकम्मल रोड मैप आपके पास 4 semesters का आ चुका है। सेमेस्टर 1 में जो आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा जी, Core 1, Core 2 और Elective 1, ठीक है, उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस करता है कि आप किसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। हर आपका जो सेमेस्टर है वो तकरीबन 9 credit और उसके ऊपर बेस करता है, हर सब्जेक्ट जो है वो 3 credit और उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन आपका जो लास्ट सेमेस्टर है जो कि है हमारे पास semester 4, उसमें आपको जो है वो टोटल क्रेडिट्स मिलते हैं वो 6 मिलते हैं, ठीक है, यानी कि 2 ही हैं, एक थीसिस ऑफ फुल रजिस्ट्रेशन और उसके बाद Elective 4 है, ठीक है। स्टडी स्कीम्स की अब मुकम्मल देखना चाहें तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ जी, यहाँ से आपको देखने में पता चल जाएगा, ठीक है। semester 1 में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, semester 2 में ये, semester 3 में ये, 4th में ये, ठीक है, और यही चीज़ें हैं जी, बस सारा थ्योरी के हमारे पास हैं, प्रैक्टिकल का कोई भी इसमें नहीं है, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं हैं, सारे थ्योरी के हैं, ये आप देख सकते हैं, कोर्स के कोड देख सकते हैं आप, ठीक है, ये कोड होता है, आप इसको इसको सर्च भी कर लेना इसको वेबसाइट के ऊपर, तो आराम से आपको इसकी बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। द कोर्स इनरोलमेंट के हवाले से देख लें, अ स्टूडेंट कैन इनरोल MS level कोर्सेज ओनली इफ शी हैड ऑलरेडी पास इट्स रिस्पेक्टिव प्री रिक्वेस्ट कोर्सेज, अ स्टूडेंट में अटेम्प्ट टू इम्प्रूव a C or D grade इन अ कोर्सेज एट मोस्ट वंस, ठीक है, अ
असेसमेंट ऑफ स्टडी बड़ी इनकी जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी से जी। इसका जो मेन चीज़ आती है, जो सबसे पहले आता है इसका, स्टूडेंट स्टडी प्रोग्रेस इवैल्यूएटेड कंटीन्यूअसली थ्रू आउट द सेमेस्टर यूजिंग द असेसमेंट टूल एज डिस्क्राइब्ड बिलो द मिड टर्म एंड फाइनल टर्म, ठीक है। आपकी भाई ये चीज़ें होती हैं जो कि आपकी 40% 40 मार्क्स जो है आपकी गेन करती हैं उसमें, एक्टिविटीज़ असाइनमेंट एकेडमिक पेपर सेमिनार और फिर प्रेजेंटेशन आपकी होती है, कोर्स वाइवा होता है, ठीक है, वो 40 मार्क्स का काउंट होता है। 30 मार्क्स मिड टर्म, 30 मार्क्स जो हमारे पास फाइनल टर्म के काउंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थीसिस के हवाले से, इनरोलमेंट के रजिस्ट्रेशन इन 720 थीसिस अलाउड प्रोवाइडेड विद द स्टूडेंट साइज एंड एटलीस्ट 18 credit hours विद CGPA। अगर CGPA आपका 2.50 के इक्वल है या फिर इससे जो है वो कह सकते हैं मतलब इससे इतना ही है या फिर इससे ज़्यादा है, वही एटलीस्ट अगर 18 credit hours हैं इसके साथ तो उसमें जो वो थीसिस कर सकता है, ठीक है। रिसर्च मेथोडी मेथडोलॉजी ये भी सॉरी पढ़ाने जा रहा थोड़ा सा है हमारे पास, तो ठीक है। रिसर्च वाला आप इसका पूरा करेंगे कोर्स और फिर आप जो है वो इसमें एनरोल कर सकेंगे CS720 में थीसिस में, ठीक है। डिग्री की रिक्वायरमेंट आप देख लें जी, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू पास 4 core courses, four courses को आपको जो कोर वाले हैं उनको कंप्लीट करना ज़रूरी है। मिनिमम 2 courses फ्रॉम द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, किस एरिया में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वार्ड ऑफ डिग्री उस वक्त में मिलेगा 2.5 out of 4 आपका CGPA होना लाजमी है, ठीक है। मिनिमम 33 MS लेवल क्रेडिट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के वाले से बात करें तो ये लोकल को ऐसे करते हैं, बाहर है नहीं, तो MS के वाले से हम देख लेते हैं। 7000 आपकी फ़ीस एडमिशन की होगी जो एक ही दफ़ा देनी पड़ेगी। 2500 आपकी वन टाइम होगी। रजिस्ट्रेशन की 10000 आपकी सिक्योरिटी फ़ीस होगी जो एक ही दफ़ा देनी पड़ेगी और रिफंडेबल है, ठीक है। 500 आपका प्रोस्पेक्टस का जो है वो होगा। उसके बाद 3000 आपकी इनरोलमेंट की हर सेमेस्टर की फ़ीस होगी। 2100 आपका जो है हमारे पास ट्यूशन फ़ीस होगी। और कन्वोकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 2000 है जो कि एक ना एक दफ़ा तो लाजमी ही आपको देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी ये लिंक्स नहीं हुए कुछ, आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्लेमर भी आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो मिलता फिर नहीं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।